गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यू आर वेलकम फॉर पोद्दार ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के 10 नियम बता दिए थे। अब 11वां नियम है, देखिए जी, एंड के दोनों तरफ क्रिया रूप समान होता है, याद रखना। रवीना केम टू द स्कूल एंड हर होमवर्क विद द हेल्प ऑफ हर टीचर। याद रखना, एंड के दोनों तरफ क्रिया रूप समान होता है। एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है केम, तो दूसरी तरफ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म कंप्लीट की कंप्लीटेड, याद रखना। एंड के दोनों तरफ क्रिया रूप समान होता है। रूल नंबर 12, निम्न दशाओं में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है, याद रखना। ए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में प्लीज एन टाइम डू नॉट कैच बटर फ्लाइज इन द गार्डन। ध्यान रखना, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाला यदि इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है, प्लीज़ और काइंडली से चार प्रकार के होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसा कि पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि सेंटेंसेस, उस सेंटेंसेस में बताया था कि वाक्य छह प्रकार के होते हैं, और छह प्रकार के वाक्यों में ये बता दिया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो चार तरीके से बढ़ता है। तो चारों तरीकों में से कोई सा भी तरीके की यदि एक्सरसाइज एग्जाम के अंदर दी जाती है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड, अर्थात क्रिया का सही रूप भरवाया जाता है, तो याद रखना यदि वाक्य प्लीज और काइंडली से शुरू होता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, कम का कम ही आएगा, याद रखना। और दूसरा तरीका है इंपेरेटिव सेंटेंस का, यदि वाक्य डू नॉट से स्टार्ट होता है तो याद रखना कि डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और
तीसरा जो सेंटेंस शुरू होता है इंपरेटिव सेंटेंस का, हाँ जी, डू, टेक मेडिसिन, रेगुलर, नियमित रूप से दवाई लो, याद रखना, ध्यान रखना, किसी बात पर विशेष जोर देने के लिए, टू एम्फसिस एनी वर्क एनी सेंटेंस वी शुड यूज डू बिफोर द इंपेरेटिव सेंटेंस, याद रखना, किसी बात पर या कार्य पर विशेष जोर देने के लिए वाक्य शुरू में डू लगा दिया जाता है, डू टेक मेडिसिन रेगुलरली, नियमित रूप से दवाई जरूर लो, याद रखना, टेक का टेक ही, ध्यान रखना। और यदि लेट से शुरू होने वाला वाक्य, लेट मी स्लिप नाउ, याद रखना, स्लिप है, लेट से शुरू होने वाला यदि इंपरेटिव सेंटेंस दे रखा है तो याद रखना उसमें भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चारों अवस्थाओं में प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, डू से शुरू होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस है तो भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेट से शुरू होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस दे रखा है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और रूल नंबर 13 देखिए जी, अगला नियम है 13, हाँ जी, रूल नंबर 13, निम्न प्रकार के वाक्यों में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, नंबर ए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो में से शुरू होते हैं, याद रखना, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य जिनमें आशीर्वाद और शुभकामना व्यक्त की जाती है, वो वाक्य हमेशा में से स्टार्ट होते हैं, याद रखना, अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है और इन वाक्यों में निश्चित रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, परमात्मा या ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, मे यू सक्सेड एन योर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, तुम तुम्हारी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो जाओ, याद रखना, ब्लेस का ब्लेस ही आ जाएगा और सक्सेड SUCCED, याद रखना, वर्ब सक्सेड और सक्सेस नाउन होता है सफलता। नंबर बी देखिए जी, लेटस अर्थात लेटस से शुरू होने
वाले वाक्यों में लेट अस गो टू सम हॉली प्लीज। याद रखना गो का गो। लेट अस से शुरू होने वाले वाक्यों में भी कन्फर्म है वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सी। हाँ जी इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। याद रखना रिक्त स्थान में यदि टू दिया हुआ है और टू के बाद रिक्त स्थान दे रखा है, ध्यान रखना वाक्य में यदि टू दिया हुआ है और टू के बाद में यदि खाली स्थान दिया हुआ है रिक्त स्थान दिया हुआ है तो कन्फर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई वॉन्ट टू सी द ऑफिसर ऑफ दिस I want to see the officer of this institution. I want to see the officer of this institution. INSTITUATION institution. मैं इस संस्थान के अधिकारी से मिलना चाहता हूँ। याद रखना टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आती है इन्फिनिटिव के बाद। और ध्यान रखना ये परीक्षा के अंदर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए जी डी हैड बेटर वे वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ जी सी हैड बेटर वॉस और क्लॉथ्स। अच्छी बात रही कि भी अपने कपड़े साफ कर ले और वॉश का वॉश। याद रखना ये परीक्षा के अंदर मोस्टली पूछा जाता है हेड वेटर और वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और नंबर ई याद रखना। हाँ जी इन पोजीशन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और नियम नंबर अगला डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना के प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रपोजिशन दिया हुआ है और उसके बाद यदि क्रिया का सही रूप भरवाया जाता है तो ध्यान रखना हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 14 देखिए जी प्रपोजिशन के बाद
हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई हैव कम हियर फॉर टेकिंग सम कॉल्ड वाटर। ध्यान रखना प्रपोजिशन के बाद, और यदि रिक्त स्थान दिया हुआ आता है तो ध्यान रखना पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग ही किया जाता है। आफ्टर ए लेटर I took my lunch. After writing a letter, after preposition है, इसके बाद ध्यान रखना verb first form में क्या है, ing का प्रयोग किया जाता है। यदि preposition के बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है और क्रिया का सही रूप भरवाया जाता है तो याद रखना कि आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और नियम नंबर 15 डिग्री स्टूडेंट्स, देखिए जी 15 रूल नंबर 15 फोर फ्यूचर प्लान एक्शन फॉर फ्यूचर प्लान एक्शन नियोजित नियोजित भावी भविष्य के लिए और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ई एस या आई एस लगा दिया जाता है। हाँ जी, ध्यान रखना इससे पता चल जाए जो कार्य नियमित जो कार्य निश्चित टाइम टेबल के अनुसार होता हो, निश्चित टाइम टेबल के मुताबिक होता हो, ध्यान रखना उससे पहले बार फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और थर्ड पर्सन एकवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आवर क्लासेस बिगिन एट 7:30
याद रखना, निश्चित टाइम टेबल है हमारी कक्षा, और 7:30 बजे शुरू होती हैं, तो याद रखना निश्चित टाइम टेबल है, इसीलिए बिगिन का बिगिन ही आएगा बहुवचन में, याद रखना बहुवचन है इसलिए बिगिन का बिगिन ही आएगा। माई फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ, टाइम फ्यूचर शो कर रखा है, सेंटेंस भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये है, अर्थ भी फ्यूचर में ही होता है। मेरे पिताजी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन याद रखना कि फ्यूचर प्लान्ड एक्शन के अंदर नियोजित भावी कार्य के लिए, याद रखना जो निश्चित टाइम टेबल के मुताबिक होना है, कंफर्म होना है निश्चित टाइम टेबल के मुताबिक, उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और थर्ड पर्सन एक वचनकर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म में SES या IS लगा दिया जाता है, याद रखना। देखिए और रूल नंबर 16-4 नियर फ्यूचर, नजदीकी भविष्य के लिए SMR प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर अलवर टुडे इवनिंग, प्रधानमंत्री आज शाम को, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आज शाम को अलवर पहुंच रहे हैं, अलवर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री आज शाम को अलवर पहुंचेंगे, इस सेंटेंस के अंदर ये जाहिर होता है कि सेंटेंस फ्यूचर का है, हिंदी अर्थ करने से पता चलता है कि सेंटेंस कंप्लीटली फ्यूचर टेंस का है, लेकिन याद रखना कि नियर फ्यूचर का वाक्य हो जिसमें नज़दीकी भविष्य में कोई कार्य के पूरा होने की पॉसिबिलिटी है, नज़दीकी भविष्य में कोई कार्य होता है, तो उसका वर्णन करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, हालांकि वह सेंटेंस है जो फ्यूचर टेंस का शो होता है। देखिए जी, द प्राइम मिनिस्टर रीच अलवर टुडे इवनिंग, आज प्रधानमंत्री शाम को अलवर पहुंचेंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन ध्यान रखना ये नज़दीकी भविष्य की इंसिडेंट है, घटना है, इसीलिए याद रखना इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। इज और रीच में आ जाएगा आई, याद रखना। हाँ जी, और नेक्स्ट जो अगला नियम है वह है, डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 17, हाँ जी, पैसिव वॉइस के वाक्यों में पैसिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए पैसिव टाइप के वाक्य को पहचानने के
तीन रूल हैं याद रखना, या तो कर्ता गायब हो या कर्ता के साथ द्वारा शब्द जुड़ा हो या कर्ता दी गई क्रिया को नहीं कर सकता हो तो वह वाक्य पैसिव वॉइस का होता है तथा उसमें पैसिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेंटेंस है, ग्रीन ट्रीज, कट इन द फॉरेस्ट नाउ ए डेज। टी एंड ब्रेकफास्ट प्रिपेयर बाई मदर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग डेली। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पैसिव फॉर्म का सिस्टम क्या होता है। पैसिव वॉइस की फॉर्म है, उसमें याद रखना निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और याद रखना ये हेल्पिंग वर्ब कन्फर्म है, पैसिव वॉइस का कोई भी वाक्य है उस पैसिव वॉइस के वाक्य में थर्ड फॉर्म निश्चित रूप से यूज की जाती है। लेकिन याद रखना थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती है, इसीलिए पैसिव वॉइस में निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और देखिए इस पैसिव वॉइस के जो वाक्य होते हैं इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करने के लिए आपको जो अटेंशन देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स, वे ये है कि आपको वाक्य को पहचानना है वाक्य कौन से टेंस का है। ध्यान रखिए जी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नियम में आप पढ़ चुके हैं कि नाउ ए डेज याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में होता है तो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट बहुवचन का है इसीलिए क्या गया आर, और आर के बाद क्या लगा देंगे बीइंग, और कट की थर्ड फॉर्म होती है कट, याद रखना ग्रीन ट्रीज आर बीइंग कट, हरे पेड़ों को काटा जा रहा है इन द फॉरेस्ट जंगलों में नाउ इट इज आजकल। और नेक्स्ट है टी एंड ब्रेकफास्ट चाय और नाश्ता, टेंस पहचानना है डेली आ गया इन द मॉर्निंग आ गया, इन द मॉर्निंग डेली आ गया जो शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस का वाक्य होता है उसमें ध्यान रखना इज एम आर में से एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। करता है एक वचन का है, एक ही चीज को शो कर रहा है, इसीलिए इज प्रिपेयर्ड। टी एंड ब्रेकफास्ट चाय और नाश्ता तैयार किया जाता है बाय मदर माँ के द्वारा इन द मॉर्निंग सुबह डेली प्रतिदिन।